हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माय सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए पेपर क्रमांक 2 इतिहास पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हम अध्ययन करेंगे। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास, यह जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम स्कोर करने के लिए यह वीडियो लेक्चर्स आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आधुनिक भारत का इतिहास, इसका पूर्णतः कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा यह वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। सेशन को अंत तक देखिए। आधुनिक भारत का इतिहास क्रोनोलॉजिकल प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व करना है वह भी मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ। सो आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, सन 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। बी है, सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। सी है, सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन डी है, राजा राममोहन रॉय सती प्रथा के समर्थक थे। सो देखिए कौन सा सही नहीं है पूछा है, माने कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो विलियम बेंटिंक के प्रयत्नों से हम देखते हैं कि 1829 में जो है सती प्रथा क्या हो गई, प्रतिबंध अपराध जो है घोषित कर दिया गया। इसका अर्थ पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, 1856 को हम देखते हैं विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, कानून लाया गया, तो सेकंड भी हमारा स्टेटमेंट योग्य हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, कब की है, तो 1875 में की गई है। और यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है, तो चौथा देखिए, राजा राममोहन रॉय। सो राजा राममोहन का जन्म जो है 22 मई 1772 में हुआ है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। यह ब्रह्म समाज के संस्थापक है और साथ ही साथ सती प्रथा के प्रबल विरोधी भी है। इनके प्रयास से 1829 में 17वें नियम के तहत विधवाओं को जीवित जलाना यानी कि सती प्रथा के लिए इन्होंने कार्य किया। इसलिए हमारा कौन सा योग्य नहीं है, तो फोर्थ वाला, यह समर्थक नहीं थे, यह सती प्रथा के विरोधक थे। ठीक है, इनको सती प्रथा जो थी अमान्य थी, इसलिए योग्य उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। इसमें डेली बेसिस पर 4 PM एवं 6 PM को आपको सेशंस अवेलेबल है। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स के अंतर्गत टोटल 10 यूनिट आपकी कवर कराई जाएंगी। फुल सिलेबस नोट्स भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस PYQ विथ डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। नई बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, सो मंडे से स्टार्ट होने वाले नए बैच को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइनिंग की फीस मात्र 10,000 है, इस पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा मात्र 8,000 में। यह कंप्लीट कोर्स विद पेपर 1 अवेलेबल है। सो आज ही आप ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को जो है ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न कथनों का परीक्षण करें। ठीक है, सो कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रोहिलखंड का नेतृत्व किया। हम देखते हैं कि 1857 का उठाव जो है, इस उठाव में विविध क्षेत्र में हम देखते हैं उठाव हुआ है। ठीक है, तो बिहार का क्षेत्र हम देखते हैं, रोहिलखंड का देखते हैं। ओके, सेकंड, मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस जो है मनाया। ऑप्शन सी है, तात्या टोपे ने नाना साहेब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला एवं जीनत महल फैजाबाद में इसकी कमान संभाली। डी है, गदर पार्टी सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, तो ऐसे 4 स्टेटमेंट हमको दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया है तथा खान बहादुर खान ने रोहिलखंड में किया है। तो यहाँ देखिए, ए यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसको कट कर दीजिए। यहाँ भी नहीं है, इसको भी कट कर दीजिए। ठीक है, चलिए
ए और सी में मुस्लिम लीग ने जो है 1939 को मुक्ति दिन मनाया था, तो बी भी आ जाएगा, ठीक है। तो बी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। टाटा टोपे नाना साहेब को कानपुर में जो है ना फौजे भेजी थी, और साथ ही साथ फैजाबाद में जीनत महल ने इसकी कमान जो है ना संभाली थी। लेकिन ओके, ए बी सी करेक्ट आंसर है, डी हमारा योग्य उत्तर नहीं है, ठीक है। गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सरदार भगत सिंह। सो गदर पार्टी जो है ना स्थापन की गई है लाला हरद्वाल के द्वारा, ठीक है। तो लाला हरद्वाल ने क्या किया है, गदर पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में 15 जुलाई 1913 में स्थापन की है। गदर पार्टी के नेता जो है सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में औपनिवेशिकता जो है ना इससे मुक्ति दिलाना चाहते थे। गदर पार्टी के अन्य सदस्य में सोहन सिंह भाकना है, लाला हरिद्वाल है, पंडित काशीराम है, भाई परमानंद है और परनाम है। तो ये सभी जो है ना गदर से रिलेटेड है, और साथ ही साथ गदर नामक पत्रिका भी इन्होंने चलाई थी। तो इसलिए सी हमारा क्या हो जाता है, योग्य उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कीजिए। इसको क्या करना है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। ए असहयोग आंदोलन, बी नेहरू रिपोर्ट, सी साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन बी है असहकार आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू की रिपोर्ट और भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ देखिए असहकार आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो, साइमन कमीशन। सो सभी जगह एक बात हमें देखने को मिलती है। सो सबसे पहले चलिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट, ओके, भारत छोड़ो मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके। सो इसमें पहले देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है ना कब स्टार्ट हुई, 1920 से लेके 1922 तक, ठीक है। 1920 से लेके 22 तक जो है ना हम क्या देखते हैं, चलिए यहाँ लिख देती हूँ, 1920 से लेके 22 तक, ठीक है। इसके बाद है नेहरू रिपोर्ट। सो नेहरू रिपोर्ट कब आई है, तो 1928 में आई है, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन कब आया है, सो साइमन कमीशन आया है 1927 में। क्विक वे इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुई है 1942 में हुई है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहाँ पर है, तो यहाँ भी नॉन कॉर्पोरेशन पहले आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी, ठीक है। तो डी हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए उसके बाद क्या आना चाहिए, साइमन कमीशन आना चाहिए। तो देखिए यहाँ साइमन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, ठीक है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाता है, योग्य उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सूची दी हुई है और उसको करेक्ट करना है, दूसरे से मिलान करना है, मैच द पियर। बारडोली सत्याग्रह, चंपारण्य सत्याग्रह, कुक्का आंदोलन और लाल कुर्ती आंदोलन। अनादर साइड सूची बी में महात्मा गांधी जी, राम सिंह, सी है गफ्फार खान और फोर्थ में है सरदार पटेल, ठीक है। तो बारडोली सत्याग्रह हम कहाँ कब देखते हैं हुआ है, 1922 में बारडोली हुआ है, ठीक है। चलिए इस साइड लिख देती हूँ, 1922 बारडोली सत्याग्रह हुआ है, जिसका नेतृत्व किसने किया है, सरदार पटेल। तो देखिए चार कहाँ आ रहा है, डी में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, ए और सी में है। चंपारण्य, हाँ, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया है और कब हुआ है, 1917 में, ठीक है। चलिए तो इसका अर्थ बी का हो जाएगा, ए कहाँ हो रहा है, तो सी में नहीं है, ए में आ रहा है। कुक्का आंदोलन राम सिंह कुक्का ने किया है, कब किया है, 1872 में हम देखते हैं राम सिंह कुक्का द्वारा कुक्का आंदोलन चलाया गया। और लाल कुर्सी आंदोलन जो है ना वह खान गफ्फार खान द्वारा किया, अब्दुल गफ्फार खान द्वारा 1930 के टाइम पीरियड में जो है ना यह चलाया गया। इस हिसाब से अगर देखें तो ऐसा आपको क्या करना है, सबसे पहले जोड़ियों को एक एक करके आपको चूज कर लेना है, ठीक है, और स्किप करना है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पर आप पहुंच जाओगे। नेक्स्ट वन है, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने निम्न जातियों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कौन सा मार्ग सुझाया। ए अलग चुनाव मंडल, बी अधिक प्रतिनिधित्व की मांग, सी संगठित आंदोलन, की डी बौद्ध धर्म का ग्रहण, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर बी आर आम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म का ग्रहण किया गया, ठीक
ठीक है, तो कब किया गया? 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म का स्वीकार डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी द्वारा किया गया। कहाँ किया गया पूछा जाए तो नागपुर में स्थित दीक्षा भूमि पर किया गया है, तो इसका अर्थ यहाँ पर डी हमारा योग्य उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ओके, चलिए, ए खेतिहार मजदूर, बी है साहूकार, सी है कृषक और डी है जमींदार। तो यहां से केवल एक और दो, केवल दो और दो और चार। तो देखिए सबसे पहले कहाँ है, देखिए 1857 का उठाव जो है ना, वह अधिकांश जैसे दक्षिण भारत हो गया, पूर्वी एवं पश्चिम के अधिकांश क्षेत्र जो है ना वहां तक नहीं पहुंच पाया है ना। तो इस आंदोलन में हम देखते हैं कि जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गए, जोधपुर के राजा हो गए, ठीक है, या फिर सिख या फिर अन्य जो राजा है ना, राजाओं ने नहीं दिया यहाँ पे कोई भी हेल्प, ठीक है, माने कि साहूकार वर्ग एवं साथ ही साथ जमींदार वर्ग जो है ना, इन्होंने कौन सी भी हेल्प नहीं की है। तो इसमें 1857 के जो रिवॉल्ट है इसमें खेतिहार मजदूर एवं कृषक जो है ना शामिल थे, इसलिए यहाँ पर दो और चार हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे एवं सिपाही विद्रोह। इनको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यह आंसर को आपको देने के लिए या फिर आंसर का करेक्ट आंसर चयन करने के लिए पता होना चाहिए कि संथालों ने जब विद्रोह किया है तो संथालों का विद्रोह हुआ है 1856 में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सिपाही विद्रोह, सो सिपाही विद्रोह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नील विद्रोह की बात करें तो 1816 में हुआ है नील विद्रोह, ठीक है, और डेक्कन में जो दंगे हुए हैं वह हुआ है 1875 में। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आना चाहिए दो, ठीक है। तो अगर दो सबसे पहले आ रहा है तो कहाँ पर हमें दो देखने को मिल रहा है, तो देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, ये दो हमारे कट हो गए, ठीक है। दो के बाद 1856 में संथालों ने विद्रोह किया, उसके बाद 57 में 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ, दो के बाद चार, ठीक है, दोनों जगह है। नील विद्रोह कब हुआ है तो यह 1860 में हुआ है, माने कि एक है ना, और दक्कन के दंगे 1875, इसलिए हमारा योग्य उत्तर ऑप्शन क्रमांक डी है। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कौन से क्षेत्र में की गई थी? ए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश एवं बिहार, सी बिहार एवं बंगाल और डी है बंगाल एवं महाराष्ट्र, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी हम देखते हैं भीलों की आदिम जाति पश्चिम खान देश में निवास करती थी और 1812 से लेके 19 के दौरान इन्होंने क्या किया है, इंग्रजों के विरुद्ध विद्रोह किया है, और यह विद्रोह मुख्यतः मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र और बाद में राजस्थान के भीलों ने भी क्या किया है, विद्रोह किया है, इसलिए हमारा योग्य उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारण आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है ना। तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, ए बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसामान्य एवं उदार रजवाड़ी। चलिए केवल एक और दो, केवल एक दो और तीन, उसके बाद है केवल एक दो और चार। चलिए बुद्धिजीवी वर्ग का उदय, ठीक है, साथ ही साथ निर्धन जो है जिनके पास सर्वसामान्य जो लोग है, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया है इस आंदोलन में सहभाग लिया है, और साथ ही साथ हम देखते हैं सर्वसामान्य जनता को इन्होंने क्या किया है, ये किया है, ठीक है, प्रोत्साहन। सो यहाँ पर याद रखिए ए हमारा आंसर होगा और सी होगा, ठीक है। चलिए, तो उच्च जातीय के वर्ग माने कि यहाँ पर एक और तीन हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में जो है ना ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर योग्य उत्तर सी आ जाएगा, ठीक है। बुद्धिजीवी,
नगरीय उच्च जातियां एवं निर्धन सर्वसामान्य वर्ग जो है ना इन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। सो यह सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? ए वॉरेन हेस्टिज, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी हेनरी लॉरेंस और डी है लॉर्ड हेस्टिज। सो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, ठीक है, तो यह देखिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से मैसूर तथा मराठा के साथ युद्ध नीति एवं कंपनियों ने अपने राज्य के चारों ओर और मध्य भाग पर अपना राज्य इस्टेब्लिश करने के उद्देश्य जो है ना राज्य की सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है ना वॉरेन हेस्टिज एवं वेलेस्ली ने अपनाई थी। सो इसलिए यहाँ पर योग्य उत्तर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए मोतीलाल नेहरू, बी तेज बहादुर सफरू, सी मदन मोहन मालवीय, आर डी है जयकर और ई है चिंतामणि। ठीक है, सो गांधी इरविन पैक्ट हम देखते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ है कब? 5 मार्च 1931 में हुआ है। इसमें क्या हुआ, शर्त रखी गई कि महात्मा गांधी जो है ना सेकेंड गोलमेज परिषद में जाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करेंगे, रद्द करेंगे। ठीक है, सो इसमें जो मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी ना वह निभाई थी तेज बहादुर सफरू एवं जयकर ने। तो देखिए बी और दो और चार, ठीक है, हमारा योग्य उत्तर हो जाएगा तेज बहादुर सफरू एवं बैरिस्टर जयकर, इन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। तो इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए पेपर क्रमांक 2 हिस्ट्री की नई बैच मंडे से स्टार्ट हो रही है, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।